हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्ले और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएसए एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। और अगर आपका सपना है इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, तो मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल के थ्रू आपको तैयारी कराई जा रही है फाउंडेशन कोर्सेज की भी। ये सब कुछ है 100% फ्री एजुकेशन। किसी तरह का कोई कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी। सारे बेस्ट फैकल्टी, सारे बेस्ट कंटेंट और बेस्ट मटेरियल के साथ ही आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स को बहुत अच्छे से वॉच किया होगा, जो कि चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। और चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर है ये है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों की एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो अगर आप हैं क्लास 6 में तो ये चैप्टर आपके काम का है। इस एक्सरसाइज जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं 5.3, यहाँ पे टोटल 2 ही क्वेश्चन है। तो एक छोटी सी वीडियो है 15 से 20 मिनट की। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट और एक प्रॉपर अरेंज मैनर में आप सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस कैसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल। तो पहला सवाल जो है एक्सरसाइज 5.3 से, वो कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है रियली इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि हाफ मार्क्स के आपके स्कूल एग्जाम में, क्योंकि अभी आप हैं 6th क्लास, तो 6th और 7th क्लास में मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इस टाइप की वैरायटी डेफिनेटली टीचर्स देती हैं, चाहे स्कूल टेस्ट हो चाहे स्कूल एग्जाम हो। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे कहा है कि स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं। अब देखो मैच द फॉलोइंग है, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या? जैसे ही आप वर्ड सुनेंगे स्ट्रेट एंगल, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपने थ्योरी लेक्चर अटेंड किया होगा जहाँ पे मैंने एंगल्स की डेफिनेशन बताई थी, एंगल्स बताए थे, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो ये सारी वीडियो मैंने एक अलग पूरी एंगल्स के ऊपर बेस्ड आपको पूरी अलग से दी है। और उससे पहले एक थ्योरी लेक्चर यहाँ पे मैंने आपको दिया था लाइन मेजरमेंट रिलेटेड, मतलब लाइन मेजरमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कैसे करना है, वो 3 तरीके वहाँ बताए थे मैंने। तो अभी एंगल से रिलेटेड टर्म्स हमें दिख रहे हैं, तो स्ट्रेट एंगल देखते ही हमारा सबसे पहले जवाब होना चाहिए स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 डिग्री का एंगल। मतलब अगर मेरी कोई निडल इस साइड है और वो घूम के एंटी क्लॉकवाइज इस फिक्स पॉइंट के थ्रू पूरी घूम के अगर इसी के अपोजिट में आ जाती है, तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री का एंगल होगा। और इसी 180 डिग्री के एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्लियर है? तो इट्स अ स्ट्रेट एंगल, एकदम सीधा। ठीक है? तो एक फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस वॉच रिलेटेड, क्लॉक रिलेटेड आपने किए हैं एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। अब तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। तो स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 180 डिग्री कहीं नहीं दिया, बट क्या लिखा है वो देख लेते हैं। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन नहीं, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो 1/4 भी नहीं है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। यस, इसको हम कहेंगे हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। एक जो रेवोल्यूशन है, ऑफ अ रेवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 में बहुत अच्छे से समझाया है। अ रेवोल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री। तो अ रेवोल्यूशन, एक पूरा जो रेवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है, एक रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री का है। तो रेवोल्यूशन क्योंकि 360 डिग्री का, एक पूरा रोटेशन जो होता है निडल का वो 360 डिग्री है। जब एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है, दूसरे पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाया जाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे 360 डिग्री अ रेवोल्यूशन का मतलब है। और स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री का हाफ। तो इसलिए यहाँ पे बोला हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। मैं ऐसा बोलूँगा कि जो फर्स्ट है स्ट्रेट एंगल, इसका आंसर है सी ऑप्शन। फर्स्ट का आंसर है सी ऑप्शन। तो हम यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, यस यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें जवाब देने हैं सारे के सारे। अब राइट एंगल का मतलब अगर कोई निडल ऐसे फिक्स है और ये निडल अगर रोटेशन करके सिर्फ 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करती है तो इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। 15 पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक इज द 90 डिग्री को ही हम कहते हैं राइट एंगल। तो यहाँ पर 90 डिग्री के लिए हम क्या बोलेंगे? लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन नहीं, मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन नहीं, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। यस, राइट एंगल का मतलब है 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन देखिएगा अभी मैंने बताया था वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री और 360 डिग्री का मतलब है इस रेवोल्यूशन का 1/4 मतलब 360 डिग्री का जब मैं 1/4 कैलकुलेट करूंगा, डन, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी क्या? तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी आपकी 4 9 times is 36, तो ये 90 डिग्री करेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। तो हम कहेंगे एक रेवोल्यूशन का जब मैं 1/4 कैलकुलेट करूंगा तो ही वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स राइट एंगल का मतलब 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। सेकंड का डी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका मैचिंग हमारा इस साइड पे डी के साथ हो रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से मैं नीचे आंसर लिखता जा रहा हूँ, यहाँ आपको थ्योरी के साथ चीज़ें समझाता भी जा रहा हूँ, क्लियर है। मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते भी जाइए, टीचर को मोटिवेट करना ज़रूरी है, इसके लिए आप वीडियो को लाइक भी करते जाइए। चलिए तो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या दिया है देखिएगा, नेक्स्ट हमें बोला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? एक्यूट एंगल का मतलब है यहाँ पर वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे देखिएगा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से अगर कोई एंगल छोटा है इसका मतलब वो दिखने में कुछ इस प्रकार से एंगल्स होंगे, 90 डिग्री नहीं बन पा रहा प्रॉपर। 90 डिग्री जो बनना चाहिए था वो 90 डिग्री ना बनते हुए वो 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा है एक्यूट एंगल, दैट मीन्स लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1/4 का मतलब है 90 डिग्री। अभी हमने यहाँ समझा था 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री से भी छोटा लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो उसी को तो हम एक्यूट एंगल कहेंगे। तो थर्ड ऑप्शन का आंसर है ए पार्ट, क्लियर है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर है हमारा ए पार्ट। चलिए तो इस प्रकार से फाइनली हमने 3 यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर लिया, मैच करवा दिया। देखिए एक एक चीज़ का मैं यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हुआ चल रहा हूँ सो दैट किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्लियर है। तो सी डी ए तो हमारे हाथ से गए, सी भी गया, डी भी गया, ए भी गया। अब आगे मूव करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ये वर्ड समझना। आपको एक चीज़ मैंने यहाँ बताई थी, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब वो एंगल जो अपनी अकड़ में है, मोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जब 90 डिग्री के एंगल को, ठीक है, कोई लाइन क्रॉस कर लेती है, डन, तो इस तरह के एंगल्स को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा, 1/4 से बड़ा, देखिएगा मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन नहीं, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या है? ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा, तो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज 90 डिग्री, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन इज 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये तो बहुत क्लियर था। फिर लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ये एक्यूट एंगल है। मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, हाफ से ज़्यादा। तो बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, देखो यही है हमारा ई ऑप्शन होगा। यहाँ पर हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल है, फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन के लिए जो जवाब है ये हमारा क्या है? तो फोर्थ ऑप्शन के लिए हमारा जवाब है ई ऑप्शन, क्यों सर ऐसा क्यों बोला? देखो ये किसके बीच में, वो एंगल जो कि 1/4 मतलब 90 डिग्री एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। तो देखिएगा 180 डिग्री यहाँ पर है, ये स्ट्रेट एंगल को 180 डिग्री कहते हैं, तो 180 डिग्री और 90 डिग्री के जो बीच में है उसी को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, मोटा एंगल। डन। तो यहाँ पे 4th पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हमारा आंसर है E। क्लियर है? तो ये सारा मैं रफ वर्क हटा देता हूँ और ये हमारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ तक सॉल्व। 4th ऑप्शन तक हमने मैच द फॉलोइंग में प्रॉपर तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल को भी समझ लिया। तो देखिए स्टेटमेंट वर्ड्स इंग्लिश में दिए हैं, हमें इनके शब्द समझ, हिंदी अनुवाद आना चाहिए कुल मिला के। डन। चलिए रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है? अब देखो रिफ्लेक्स एंगल मतलब पीछे वाला एंगल। कौन सा पीछे वाला? तो वो एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है, वो एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये आपका स्ट्रेट एंगल है, अब इससे भी बड़ा कोई एंगल है, तो इस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, सॉरी ये वाला एंगल नहीं, हम इस एंगल को कहेंगे वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है। तो इस तरह के एंगल को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के लिए आएगा मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन, मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, बी। 5th ऑप्शन के लिए हमारा आंसर मैच करेगा बी के साथ। डन है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे कंप्लीट तरीके से कर लिया, मैच द फॉलोइंग को सॉल्व। तो ये आपके नीचे आंसर्स मैंने दिए। 1st ऑप्शन C से मैच करता था, 2nd ऑप्शन D से मैच करता था, 3rd ऑप्शन A से मैच करता था, 4th ऑप्शन E से मैच कर रहा था और जो आपका 5th ऑप्शन है ये B से मैच कर रहा था। तो कुल मिला के एक्सरसाइज 5.3 का 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैच द फॉलोइंग हमने कर दिया है कंप्लीट। अब मूव करते हैं ड्राइंग्स पे। तो ड्राइंग्स दी रहती हैं, देखने के बाद विजुअल ऑब्जर्वेशन के बाद आप एंगल्स को नाम बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंपल सोबर अच्छा सवाल। डन। देखना, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज अ राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एक पूरी वीडियो है इसके ऊपर, 2nd लेक्चर जो मैंने दिया है वो कंप्लीट इसी वीडियो के ऊपर है, मतलब ये सवाल उसी वीडियो से है, आप ये मान लो। क्लियर? चलो अब यहाँ पर हमें सिर्फ देख के जवाब देना है और रीज़न भी जानना है साथ में। ठीक है, रीज़न भी पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे समझना, ए ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए ऑप्शन में ये वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स से एक जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये इसकी आर्म है, ये एंगल की 2 आर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल है और इस एंगल की 2 आर्म्स हैं। जो पहली आर्म अगर मैं फिक्स मान लूँ तो दूसरी जो आर्म है वो 90 डिग्री नहीं गई है। देखो 90 डिग्री मतलब कुछ इसके परपेंडिकुलर आनी चाहिए थी, ये इससे भी छोटी है। तो यहाँ पे क्योंकि एक 90 डिग्री के एंगल से भी छोटा मुझे दिख रहा है, ए ऑप्शन के लिए मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ एक्यूट एंगल। एक बहुत ही क्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये वर्ड्स समझ आने चाहिए, रीज़न के साथ मैं चीज़ें समझाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल क्यों बोला ए ऑप्शन ए ड्राइंग को? द रीज़न इज़ बीइंग, यहाँ पे अगर इस लाइन को हम फिक्स मान लेते हैं तो वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बनता हुआ दिखना चाहिए था, वो परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, उससे कम ही दिख रहा है। तो यहाँ से बनने वाला जो एंगल है ये एक्यूट एंगल होगा। अगेन बी ऑप्शन अगर आप देखते हैं, बी ऑप्शन में अगर ये नीचे वाली लाइन को मैं फिक्स लाइन मान लेता हूँ इस वर्टेक्स पे, ये लाइन फिक्स है। डन। तो अगर इस लाइन की एक इमेज मूव करती है 90 परपेंडिकुलर को क्रॉस कर लेती है, तो बी ऑप्शन को मैं कहूँगा ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। इस केस में अगर ये लाइन फिक्स है तो यहां पे बनना चाहिए था 90 डिग्री का एंगल। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से भी बड़ा हो गया, ये पीछे निकल गया। तो देखो यहां से पीछे निकल गया, तो इस केस में हम कहेंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल है। डन। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक अगर लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मान लूं, तो इस पे अगर कोई दूसरी रे यहां पर एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में नजर आ रही है, तो इस एंगल को हम कह सकते हैं राइट एंगल। देखो ये सिर्फ विजुअल है, ठीक है, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को देख के यहाँ पे जवाब दे पा रहे हैं। तो हम इस केस में कहेंगे जो सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन, ये वाला जो एंगल उन्होंने पूछा, देखो उन्होंने कहाँ पूछा सर, उन्होंने तो कहीं पे भी कुछ नहीं पूछा। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो आप ध्यान से देखना, ये जो कर्व बना है इनके बारे में बात करनी है। डन। ये कौन सा एंगल है? तो अगर ये वाली लाइन फिक्स है और ये अगर वर्टेक्स है, बात को समझना, ये वर्टेक्स है, ये रे एक फिक्स है, तो इस रे को आप फिक्स मान लो। अगर ये ऐसे नीचे आ रही है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट दिख रही है, तो मैं कहूँगा क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट दिख रही है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर है। आगे वीडियो में अगर आप थ्योरी लेक्चर 3rd वाली वॉच करते हैं तो मैंने वहाँ पे वर्ड परपेंडिकुलर को भी समझाया है। तो ये लाइन एकदम स्ट्रेट दिख रही है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस कारण इस गैप को मैं कहूँगा ये राइट एंगल है। ठीक है, तो इस केस में ये जो एंगल है ये राइट एंगल है। पूरी उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। डी ऑप्शन, डी ड्राइंग पे आ जाते हैं हम। अब देखिएगा डी ड्राइंग पे हमसे क्या कह रहे हैं, तो डी पे ये वाला एंगल दिया है पीछे का। आप एक चीज़ देखिएगा, क्या देखना है आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना, पीछे का एंगल दिया, अंदर के बारे में बात नहीं कर रही है। ये यहाँ पे जो रेड लाइन, मतलब ये जो मैंने लाइन दी है, इन्होंने कर्व यहाँ दिया है, मतलब अगर मैं किसी एक रे को फिक्स कर दूँ, ये रे मान लो फिक्स है और ये हमारा वर्टेक्स है, तो स्ट्रेट एंगल देखना, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, तो यहाँ से अगर रे आती है तो स्ट्रेट एंगल ये होना चाहिए था, बट ये आगे निकल गई, आगे निकल गई। इसका मतलब 180 डिग्री को भी जब कोई चीज़ क्रॉस कर जाए, 180 डिग्री से बड़ा हो, कंप्लीट रेवोल्यूशन ना हो पाए, इस केस में हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। डन। चलिए ई ऑप्शन को देखिएगा, ई ऑप्शन में क्या कह रहा है, ई ऑप्शन में ये हमसे कह रहा है, अगर मैं ये बोर्ड कर देता हूँ क्लियर, तो ई ऑप्शन में ये हमसे कह रहा है एक लाइन एकदम स्ट्रेट है। डन। इस स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं इसको वर्टेक्स मान लेता हूँ, डन, ये वर्टेक्स है, और अगर मैं अंदर कहीं भी कर्व ना बनाते हुए मैं पीछे कर्व बना देता हूँ, तो देखिएगा इस केस में अगर ये वर्टेक्स है और ये रे अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस रे के अपोजिट में ये जो लाइन है इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। हमसे पूछा क्या है, स्ट्रेट हम किसको कह रहे हैं, तो स्ट्रेट हम बेसिकली ये जो ब्लैक इन्होंने कर्व दिया है, आर्क बनाया है, इन्होंने इस एंगल के बारे में जानना चाहा है, तो ये जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ई में हम कहेंगे ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये एक स्ट्रेट एंगल है। डन। चलिए मूव करते हैं एफ पार्ट पे। एफ क्या कह रहा है, तो एफ पार्ट पे ये कह रहा है अगर यहाँ पे हम ऐसा देखें, तो यहाँ पर आप क्यों क्या बोला है, कुल मिला के यहाँ पे मुझे ये वाले गैप बोले, और ये वाले जो गैप हैं अगर इसमें मैं इनको वर्टेक्स मान लूँ, भाई यही वर्टेक्स होंगे, पॉइंट जो होते हैं वर्टेक्स होते हैं, और कोई भी एक रे आप फिक्स कर दीजिए, ये मैंने फिक्स कर दी। डन। अब यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, इस गैप को आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो अब देखें अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको यहाँ तक आने में 90 डिग्री लगता, 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये एक एक्यूट एंगल है। मैं ऐसा बोलूँगा एफ में ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं जो इन्होंने हमसे पूछे हैं, यहाँ पे इन्होंने कर्व यहाँ दिया है, ये दोनों के दोनों अगर इसको मैं फिक्स्ड मान लूँ, तो ये वाली लाइन 90 डिग्री तक भी नहीं जा पा रही, इसलिए मैं इसको एक्यूट एंगल बोलूँगा। डन है, एक्यूट एंगल होंगे, दोनों के दोनों एंगल जो दिए हैं वो एक्यूट एंगल हैं। तो फाइनली एक्सरसाइज 5.3 में हमसे यही दो क्वेश्चन पूछे थे। हमने दो क्वेश्चंस को एक प्रॉपर तरीके से रीजंस के साथ मैच द फॉलोइंग हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, ड्राइंग देख के उनका नाम बताना हो, हमने दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा और यहाँ पे फाइनली हमने कर लिया सॉल्व। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 का हम करते हैं अंत। एक प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में आप वीडियोस कैसे देख सकते हो ये मैंने आपसे वादा किया था बताने का, तो मैं आपसे कहूँगा जाइए गूगल राजा के पास, टाइप करिए magnetbrains.com। magnetbrains.com टाइप करते ही आपके सामने कंप्लीट हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे आप एक प्रॉपर अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट NCERT थ्योरी, NCERT एग्जाम्पलर, NCERT बुक के सॉल्व सॉल्यूशंस, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं हर एक्सरसाइज के सॉल्व सॉल्यूशंस, इसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज आप सब एक अरेंज मैनर में वॉच कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह का कोई हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, क्लियर। और अगर आपके घर में कोई भी आपके पहचान में, कोई भी आपके रिलेटिव्स, कोई भी आपके रिश्तेदार में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको भी आप बताइए। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, आपके यहाँ पे कोई आपके टच में ऐसा है जो IIT JEE NEET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, कंप्लीट वीडियो पैकेज, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। किसी भी तरह का कोई फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे, वो भी क्वालिटी एजुकेशन, सारे बेस्ट फैकल्टीज, सारे बेस्ट मटेरियल के साथ आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। आपको अगर ऐसी और वीडियोस वॉच करनी है जो कि मोटिवेशनल हो, स्ट्रेस फ्री वीडियोस हो, एजुकेशनल वीडियोस हो, तो ये वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए या कोई भी न्यूज़ के अपडेट पाने के लिए, कोई भी नई वीडियो कितनी जल्दी आ रही है जो आपके पास नहीं है, आपको हमसे कोई टच बनाना है, तो आप हमें इन सब के लिए फॉलो करिए। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, इसी के साथ में ट्विटर पे तो हम लोग हर जगह पे अवेलेबल हैं, आप हमें आसानी से फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल अगर आप वॉच कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट सारी रिसेंट न्यूज़ पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो इतना आसान है। मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।